ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हेलो। हाँ, दिख रहा है सर आपका स्क्रीन। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? बन गया था मैम। किसी को कुछ और जितने भी हैं? बोल दो भाई। चलो किसी को कुछ नहीं है आई थिंक। सेकंड सेकंड वाला हाँ जी भाई, करवा दो ये, करवा सेकंड वाला करवा दूं? दो चलो ठीक है। भाई। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो सॉरी जो बेस है ना वो 8 आ गया है। बेस 8 आ गया है। सो कुछ ऐसा इशू नहीं आना चाहिए बट कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। सो देखो जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है 2 to the power 99 बेस 8। सो लॉग 2 to the power 99 बेस 8 इसका हम लोग क्या लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं +1। अब देखो बेस 8 है एंड वी हमको लॉग को रिमूव करना है कैसे भी करके। सो व्हाट वी विल डू कि जो 2 है वहां पे मैं 8 लाने का ट्राई करूंगा। सो हम लोग क्या करेंगे, लॉग 2 का क्यूब इनटू 33 बेस 8 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, फिर उसके ओके बाद हम लोग वो दोनों लॉग लॉग ए डेट आ हाँ जाएगा जो कट जाएगा। ये 33 पावर में है सो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लॉग 2 का क्यूब 8 बेस 8 +1। सो 8 लॉग 8 बेस 8 1 हो गया। सो 33 +1 और हेयर इज द 33 जो इंटीजर ही है। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। क्लियर? किसने पूछा था? हाँ जी भाई, आ गया सो। क्लियर हो गया ना? हाँ भाई, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये थर्ड थर्ड पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ बता दो ये भी। अच्छा ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ। देखो इसका सिंपल सा जो हमको समझना था, क्या समझना था कि जैसे देखो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। सो वी हैव 31 का पावर 11 एंड 17 का पावर 14। सो जो 31 है और 71 है, सो देखो यहाँ पे क्लोज जो है वो 31 का क्लोज 32 हो सकता है, 30 हो सकता है, ये हो सकता है ना। एक सेकेंड, एक सेकंड गाइस, दो लोग आ रहे हैं उनको एडमिट कर रहा हूं। हाँ आ गए, फिर से देखो ओके सो जो लोग अभी आए हैं उनको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? बोल दो भाई जल्दी। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो वी हैव 31 to the power 11 एंड 17 to the power 14। सो देखो इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 2 का पावर 5 into 11 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में इसको इतना हम लिख सकते हैं। जी फिर ये देखो 17 है सो इसका 2 का पावर 4 अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 14। जी
सो 2 का पावर 11 5 जा 55 और 2 का पावर 14 4 जा 56। अब यहाँ पे देखो कौन ग्रेटर है, सिंपल ये ग्रेटर हो गया। ये तो एक ये मेथड हो गया, अदरवाइज हम लॉग भी ले सकते हैं, जैसे 31 है और 11 है। सो यहाँ पे 11 वन सेकेंड यस 11 लॉग 31 एंड ये हो जाएगा 14 लॉग 17, ये ले सकते हैं। हेलो जी हाँ, अब यहाँ जो देखो, अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे देखो, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना बेसिकली अप्रोक्सीमेशन पे ही खेला जाता है। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देखो लॉग 31 का कितना वैल्यू अप्रोक्स हो सकता है, सो इसको हमको अप्रोक्स ही लगाना पड़ेगा और या फिर लॉग 17 का। अदरवाइज हम और क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज कि जो लॉग का जो बेस है ना, मैंने 2 ले लिया दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ पे 11 ये लॉग 2 का बेस है, सो यहाँ पे 2 का पावर 5 मैं अप्रोक्सीमेशन में ले सकता हूँ। क्लियर है? 14 लॉग 2 2 का पावर 4 अप्रोक्सीमेशन में, सो सेम देखो ये पावर है यहाँ पे आ जाएगा, सो ये 55 हो गया और ये 2 का लॉग 2 टू द बेस 21 हो गया। सेम यहाँ पे 4 4 जा 56, सो ये 56 लॉग 2 21, सो देखो ये ग्रेटर हो गया जो 14 17 टू द पावर 14 है। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो या ये मेथड भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको सॉल्व किया था सेकंड वाला मेथड मैंने यूज किया था, तो सेकंड सो हुआ ना। हां सर सेकंड वाला मैंने किया था। हां सो वही सर सर डिजिट बहुत क्लोज है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था। हां लेकिन देखो ना यहां पे ये मेथड देखो ना, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये 31 है और 2 का पावर 5 मतलब थोड़ा सा साइलेंटली लेस है 2 का पावर 5 से। ओके पावर भी 55 है, यहाँ पावर का सीधा एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस पावर बहुत होता है इतने हायर नंबर पे। सो यहाँ पे क्लियरली आपको होना चाहिए कि हाँ दिस नंबर इज लार्जर देन दिस नंबर। अब क्लियर है ना ये? ये प्रॉपर्टी का भी तो यूज कर सकते हैं ना कि जैसे से अगर हमारा जो वैल्यू लॉग में आ रहा है, जैसे से वो इंक्रीज होता है हमारा लॉग का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो हमारा लॉग 31 वुड बी हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू देन लॉग 17। करेक्ट तो करेक्ट, उस प्रॉपर्टी का भी तो हम लोग यूज करके अप्रोक्सीमेशन से बोल सकते हैं ना। हाँ करेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो वही चीज तो मैंने यहाँ किया, बस लॉग बेस 2 ले लिया, अप्रोक्सीमेशन पे किया, 55 और 56 आया यहाँ पे, सेम वही अप्रोक्सीमेशन। देखो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा क्वेश्चन आया ना, जो मेथड आपको एट अ टाइम क्लिक हो रहा है उस पर सॉल्व करो, आगे बढ़ो, ऐसा एक फिक्स्ड मेथड मत रखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सर okay? ये दोनों मेथड छोड़ के और तो कोई मेथड नहीं है अप्रोक्सीमेशन? नहीं, और एक है एलसीएम निकाल के, वो भी तो नहीं होगा एलसीएम? यार इतने बड़े नंबर का एलसीएम आप कैसे निकालोगे? हाँ पावर 31 का पावर, और 31 बहुत बिग नंबर है, उसका पावर आप करो वो पॉसिबल नहीं है ना। थर्ड क्लियर हो गया? फोर्थ? हाँ सर फोर्थ पे कोई डाउट? फोर्थ भी कर दी, फोर्थ भी करा दो। फोर्थ सर फोर्थ था, आई थिंक रिमाइंडर 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 का फॉर्मूला है क्या? रिमाइंडर का नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना सेम और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, सिमिलर है। हां बस दो दो हमको एक्सप्रेस मतलब दो दो जो है डिजिट उसका हमको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, मतलब 2 का पावर 2019 2009 और 5 का पावर 2009 दोनों का नंबर ऑफ डिजिट निकालना है और उसको ऐड कर देना है, बेसिकली यही करना है। सो अगर फर्स्ट सॉल्व हुआ है तो फोर्थ में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर मतलब फर्स्ट हो गया था। हाँ तो फोर्थ में भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों हो गया था, दोनों हो गया था। ओके और कोई? और कोई भाई? हेलो ठीक है, फोर्थ ओके है ना? चलो फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ देखो, फिफ्थ ना एक बहुत बहुत स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है,
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल टेक वैल्यू, सम रैंडम वैल्यू ले लेंगे हम लोग और वहां से सॉल्व करेंगे। और देखो रैंडम वैल्यू लेने का सेंस ये होता है ना कि जब आप जो एक्सप्रेशन दिया है उसको आप इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे सो सेम थिंग्स आने वाला है व्हेन यू टेक समथिंग वैल्यू। सो यहाँ पे मैं दोनों अप्रोच आपको बताऊंगा। ओके पहला अप्रोच हम लोग देखते हैं जो हम एजम्पशन लेंगे वो। सो लेट्स अज्यूम कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम लोग दो ले लिए। वन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जो लॉग का प्रॉपर्टी है ना कि लॉग बी टू द बेस ए बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, इतना तो सबको पता होना चाहिए आई थिंक। पता है ना। सो यहाँ पे मैं वन लेने का ट्राई इसलिए नहीं करता हूँ कि क्या पता कभी ये वैल्यू मुझे आ जाए यहाँ बेस में। जैसे देखो लॉग अगर एक्स का वैल्यू वन लिया सो लॉग वन बेस में आ जाएगा, सो लॉग वन बेस तो डिफाइन नहीं होगा। सो इसलिए ऑलवेज वी विल ट्राई कि टू वैल्यू ले लो, थ्री वैल्यू ले लो, मतलब वन से ग्रेटर वैल्यू लो और लोवेस्ट वैल्यू लो सो दैट की इजी कैलकुलेशन हो। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने टू ले लिया, अब ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए इक्वल टू लॉग, वन सेकेंड, ए इक्वल टू लॉग वाई इंटू जेड फोर टू, इज इट क्लियर, एंड टू लॉग टू टू, सो वी विल गेट ए का वैल्यू टू, द वैल्यू ऑफ ए इज टू। सिमिलरली विथ बी, सो अगेन बी का वैल्यू भी टू होगा, सिमिलर एक्सप्रेशन देखो, क्लियर, सी का वैल्यू भी टू होगा, ये भी क्लियर। देखो बेसिकली मतलब ये है ना कि हम लोगों ने वैल्यू इसलिए अज्यूम किया कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना वो एक वन काइंड ऑफ सिमिलरिटी बोल सकते हैं वो फॉर्म कर रहा है, मतलब जैसे एक्स को वाई या जेड किसी से भी रिप्लेस करो वो सेम थिंग ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने तीनों का वैल्यू सिमिलर अज्यूम किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग तीनों का वैल्यू सिमिलर क्यों अज्यूम किए। गाइस हाँ सर समझ में आ गया, एक्स वाई और जेड आपने तीनों को टू क्यों लिया समझ में आ गया। हाँ ओके अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए बी सी टू 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 एट हो गया, माइनस टू 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 सिक्स हो गया, सो टू इज द राइट आंसर, क्लियर। एक्स वाई जेड का वैल्यू टू लेने का लॉजिक ये है कि बिकॉज़ एक्स वाई जेड कैन बी एनी नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू यूनिट, राइट। सेम आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे थ्री लेके दिखा दे रहा हूँ, देखो 18 आएगा आई थिंक, ABC 3 क्यूब 27, नहीं नहीं मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, log 3 339, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 92 आएगा, सो A का वैल्यू भी 2, B का वैल्यू भी 2, C का वैल्यू भी 2, आप कुछ भी वैल्यू रखो वो एक्सप्रेशन अल्टीमेटली कट आउट होकर मतलब आंसर आपको 2 ही देगा। देखो इसीलिए ये फुल प्रूफ मेथड है, तभी मैंने आपको बताया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा आप वैल्यू एज्यूम करो रादर देन सॉल्विंग। अगर आप देखो यही चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है कैट में, जो बंदा अच्छे से प्रिपेयर करता है ना वो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू लेगा और आगे बढ़ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर जो बंदा अच्छे से नहीं किया इसको हम लोग सॉल्व करने बैठ जाएंगे, वहां पे हम 2 से 3 मिनट लगा देंगे। सो यहीं पे ही मेरा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 2 मिनट का। तो यही चीजें हम लोगों को सीखनी है कि कहाँ पे हम लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कहाँ पे मुझे एक्चुअल सॉल्यूशन करना है। देखो अगर इसको आप सॉल्व करना है तो सिंपल ए बी सी का ये जो वैल्यू है वो पुट करना और सिंपली जो मैंने बताया है कि हाँ ब्रेक करो और जो फॉर्मूला एंड ऑल है उस वो अप्लाई करो,
आपको आंसर सेम टू ही मिलेगा आपको। सो मैं सॉल्व करूं या फिर रहने दूं, अगर करना आप लोग, अगर कुछ डाउट आएगा तो आप ग्रुप में पिंग कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है? हाँ सर, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स तो इजी है, कुछ है नहीं उसमें, बस मेंटिसा और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो पता करना है। सबको पता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा क्या होता है? क्लियर है सर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होगा, आई थिंक 5 और मेंटिसा 153, तो 1 5 1 -153। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब किया है तुमने, बढ़िया। चलो सेवेंथ नंबर, सर सेवेंथ वाला बता देंगे क्या? नहीं बना था सर। ये भी क्या है सर, वो वीडियो में है आपका? क्या नहीं है वीडियो में? ये सॉल्यूशन है इसका 2/3 20 से किया है इसका ना? हाँ हाँ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सिमिलर कर दे रहा हूँ। सिमिलर क्या है मतलब सर? ये वाला क्या है एग्जाम्पल आपने दिया जो वीडियो में है? अच्छा, जो वीडियो डाला हूँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल है 2/3। अच्छा, तो किनका डाउट था? शाम को ही किया इसलिए याद है। अच्छा, सो किनका डाउट था, आप वहां से वीडियो रेफर कर लेना, कर सकते हो ना? हाँ चलेगा सर, मैं एक बार उधर पे देखूंगी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो कुछ चीजें, कुछ बातें ना मैं लॉग की आपको बता रहा हूँ, उसको आप एक नोट में या फिर जैसे भी करना है उसको लिख लेना। लॉग में जब भी कभी इक्वेशन आए, ओके, जब भी कभी इक्वेशन आए और उस इक्वेशन में जब हम लोग जो रूट या फिर एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू जो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उस वैल्यू को वी विल ऑलवेज चेक, हम लोग उस वैल्यू को जो एक्सप्रेशन और इक्वेशन है उसमें उसमें उस वैल्यू को पुट करके हमेशा चेक करेंगे जो लॉग का कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्लियर? क्लियर है ना सर? एग्जांपल दीजिए। हाँ देखो, ये तो मैं बताया, पता नहीं अब इसमें वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन में होंगे। अब जैसे देखो, नंबर ऑफ रूट हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन का इतना। सो देखो, लॉग लॉग एक्स माइनस फाइव इक्वल टू लॉग सेवन प्लस सेवन एक्स प्लस वन है, तो इसको हम लोग एक्स माइनस फाइव इक्वल टू सेवन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग ये हो गया सिक्स एक्स और ये हो गया माइनस सिक्स, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन। ओके, एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया। अभी मैंने क्या बोला था कि वी विल ऑलवेज चेक, जो भी वैल्यू आया है एक्स का, मतलब जब भी लॉग में कभी भी इक्वेशन रहे, वी विल ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, जो भी वेरिएबल रहे उसको हम लोग पुट चेक करते हैं इक्वेशन में पुट करके। सो देखो, इक्वेशन क्या है मेरा, लॉग माइनस एक्स माइनस सॉरी वन माइनस फाइव लॉग माइनस सिक्स, लॉग माइनस सिक्स सेटिस्फाई किया? नहीं होगा ना। सो इसका जो वैल्यू माइनस वन आया ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मींस जो ये मेरा इक्वेशन था ये लॉग एक्स माइनस वन प्लस इक्वल टू लॉग सेवन एक्स प्लस वन, इसका रूट होगा जीरो। क्लियर? जो डोमेन होता है वो बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए शुड बी नॉट इक्वल टू वन, ये थिंग्स सेटिस्फाई करना चाहिए तभी लॉग सेटिस्फाई है, लॉग का डोमेन सेटिस्फाई है। ओके, ये बेसिक डिफिनेशन है,
ये अगर चीजें सेटिस्फाई नहीं कर पाया मीन्स लॉग डिफाइन ही नहीं है. ओके सो देखो यहां लॉग -1 का सर -1 का वैल्यू से चेक करूंगा और लॉग -6 नहीं नहीं आप समझे नहीं. जैसे देखो यहाँ एक्सप्रेशन पे हम लोगों को रूट निकालना है, नंबर ऑफ रूट निकालना है. नंबर ऑफ रूट इट मीन्स व्हाट, कि वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. रूट तो यही होता है ना इसका मीनिंग, आई होप आपको पता होगा. सो यहाँ पे वी जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके अच्छा सो हम लोगों ने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया एंड मैंने क्या बताया कि लॉग में जब भी कभी इक्वेशन रहे सो वहां पे जब इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं देन वी विल ऑलवेज चेक कि लॉग सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं उस वैल्यू पे जो वैल्यू आया है. सर सो -1 पे लॉग सेटिस्फाई चेक करूंगा, -1 पे लॉग वैल्यू x का वैल्यू -1 आ गया. हां इसमें लॉग करके अब यहां जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल x का जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे. क्लियर सर? अगर x +1 होता फिर भी तो log -4 होता. हाँ तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इट मीन्स ये जो क्या इस अगर log का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, log वैल्यू ऑफ a और b का वैल्यू का नेगेटिव आ रहा है तो इस जगह में वो x का जो वैल्यू है दैट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. करेक्ट दैट द नंबर ऑफ रूट्स विल बी जीरो. करेक्ट 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 सर अगर एक इसको एक लेता है हाँ फिर तो ए लॉग -4 और इधर लॉग 8 चला आएगा तब सेटिस्फाई करेगा. नहीं ना देखो लॉग अगर कभी भी माइनस में आ गया यहाँ तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. यहाँ एक्सप्रेशन देखो ये देखो ना जो बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बी यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव में सेटिस्फाई नहीं करेगा. देखो लॉग में ना ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना कि बी ग्रेटर देन जीरो, बेस जो है ग्रेटर देन जीरो और बेस नॉट इक्वल टू 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना. और ये जो बातें मैंने बताई कि हाँ जब भी इक्वेशन का कोई वैल्यू आए सो हमेशा ना उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके वैल्यू चेक करना कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं. ओके क्योंकि मैं इस पे इतना एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कैट में क्वेश्चन आ चुका है सिमिलर टाइप को, समझ रहे हो ना? क्लियर? यस सर. ओके बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन. देखो 9th क्वेश्चन पे किसी को डाउट है क्या? 9th प्लीज बता देंगे क्या? हाँ बता दूंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा. हाँ देखो 9th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको कैसा कर मैंने एक्चुअली ट्राई किया था बट मेरा बात गलत ही आ रहा था तो मैं इसको लगा आपने सॉल्व किया होगा ना, प्रॉपर मेथड लगा के सॉल्व किया होगा ना. हाँ मतलब पूरा जो बेस सेपरेट करते हैं ना, बेस सेपरेट करके फैक्टर्स बना के सॉल्व किया था बट फिर वो पूरा मेस्ड अप हो गया था तो मेरे को जानना था इसको कैसे करते हैं. सो इसको 16x6 कर 96 को 16 into 6 करके सॉल्व करेंगे आज. देखो वैसे भी कर सकते हैं. मैंने क्या कहा था सर, 24x को 36 के इक्वल कर सकते हैं. एक एक कोई बोलो सर. इस जगह मैंने log 24 log 36 base 24 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करके मैंने किया था तो आया आंसर. हां सर इस जगह में बट इस जगह में दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर. उसमें सर बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, बहुत लेंथी हो रहा था ना. हाँ सर बहुत लेंथी हो रहा था. मैं एक शॉर्टर वे बताता हूँ. देखो सिंपल से यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज करेंगे. ओके और देखो कैट एक ऐसा एग्जाम है ना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना वो ऑप्शन आपको वैसे ही फुद्दू देंगे. आप ये मत सोचना कि हाँ ऑप्शन बहुत क्लोज आ जाए, ऐसा आ जाए वैसा आ जाए, वैसा बहुत रेयर ही होगा. देखो कैट ना एग्जाम ऐसा है कि लोग बहुत इसको समझते हैं कि मतलब टू हाई और हार्ड ऐसा थिंग्स हो बट आप अच्छे से देखोगे ना तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कैट.
आप उसको जो क्वेश्चन आते हैं उसके अप्रोच एंड ऑल पे देखोगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। जैसे देखो एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग 36 टू द बेस 24, क्लियर। सो यहाँ पे हम इसको जैसे देखो लॉग 24 टू द बेस 24 ये कितना होगा, वन होगा। होगा सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक्स का वैल्यू वन से साइलेंटली ज्यादा होगा, साइलेंटली मोर देन वन ओके बोल सकते हैं। हाँ सर बोल। चलो अब आते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ओके 8 + 2 / 2 + 3 5, 10/5 कितना आया, 2 आया। ठीक, अब देखो जो मुझे फाइंड आउट करना है लॉग 72/96 उसको देखते हैं। सो लॉग 72/96 ये भी कितना होगा, साइलेंटली वन से ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि लॉग 72 टू बेस 72 ये वन होगा और यहाँ पे 96 है, सो ये वन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर, ये भी क्लियर है ना, क्लियर है गाइज। हाँ सर क्लियर। हाँ सर ठीक है, मेरे ये रहा मेरा ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आया, कभी भी रीच कर पाएगा ये ऑप्शन वन, कभी भी मतलब ये नहीं। जो हमारा एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करना है वो कभी 2 आ सकता है। नहीं सर, वो 1 के आज बाजू रहना चाहिए। हाँ सो ये वन मेरा इलिमिनेट हो गया। 2 देखते हैं, सॉरी बी, 8 - 2 2 + 3, सो ये हो जाएगा कितना, 8 6/5, सो ये 1 पॉइंट कितना, 2 समथिंग, ये मेरा कंटेंडर है, करेक्ट ना, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके सो इसको अभी होल्ड करते हैं, बी को। थर्ड पे आते हैं, 8 + 2 2 - 3, ये तो नेगेटिव ही आ गया होगा यहाँ, तो ये तो सी तो ऐसे ही डायरेक्ट इलिमिनेट कर दो। डी पे आते हैं, 8 - 2 / ये भी नेगेटिव, देखो 2 - 3x 2 - 3, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर, देखो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कितना इजीली हम लोगों ने कर दिया। अगर आप बेसिक अप्रोच से जाओगे ना बहुत लेंदी होगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और बहुत चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैट दे दे। क्लियर है आप? सर, हाँ एक और सर बार बता देंगे क्या? ऑफकोर्स। अब देखो स्टार्टिंग में समझते हैं, जो एक्स इक्वल टू है लॉग 36 टू द बेस 24, ओके सो लॉग 24 टू द बेस 24 वन होगा मेरा, सो ये लॉग 36 टू द बेस 24 है, ये वन से थोड़ा सा ग्रेटर है, क्योंकि ये 2 कब आएगा, जब लॉग 24 बेस है, 24 का स्क्वायर होगा, इट मीन्स 576 ये वैल्यू आएगा, तब इसका वैल्यू 2 होगा, बट यहाँ पे 36 ही है, सो वन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सिमिलरली जो हमको फाइंड आउट करना है लॉग 72 टू द पावर 96, ये भी वन से थोड़ा सा ज्यादा है, जो भी है हमको उतना नहीं सोचना है कितना ज्यादा है, क्या है क्या नहीं है। ओके ऑप्शन वन पे आते हैं, ऑप्शन वन क्या बोल रहा है, 8 + 2x / 2 + 3x। ओके सो देखो 8 + x का वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि चलो वन ही आया, सो 8 + 2, हालांकि ये 2 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, करेक्ट ना, हाँ सर। और डिवाइडेड बाई 2 + 3 सो 5, सो ये हो गया 2, अप्रोक्स 2 का वैल्यू आएगा ये जो ऑप्शन वन है, बट हमको जो फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू अप्रोक्स 1 के आसपास आ रहा है। हाँ सो ऑप्शन वन इलिमिनेट हो गया। सिमिलरली बी को मैंने देखा, सो 8 - 2 / 2 + 3, यहाँ पे सिंपली एक्स का वैल्यू 1 रख दो, सो वी हैव 6/5, सो इसका वैल्यू 1.2 समथिंग आया, करेक्ट।
अगर थर्ड में हम लोग देख रहे हैं सो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है कि बिकॉज 2 माइनस 3 हो जा रहा है, सो नेगेटिव वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेक्ट ना? सिमिलरली डी का भी वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। कौन सा टेंथ क्वेश्चन? सर मीटिंग रीजन कर ले तो 2 मिनट और बाकी है बस। हाँ वो कर लेता हूँ मैं, फिर से लिंक सेंड कर देता हूँ ये। यस ओके ओके।